जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ घंटों में दो एनकाउंटर हुए हैं जिसमें कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 2 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 6 जवान घायल बताए गए हैं। आपको बता दें, सबसे ताज़ा हमला जम्मू के चड्डा कैंप के पास हुआ। सुबह करीब 4:15 बजे ये हमला हुआ। यहाँ CISF के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। CISF ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इस पूरी कार्रवाई में CISF का एक ASI शहीद हो गया और 2 जख्मी हैं। वहीं सुबह 5 बजे के आसपास जम्मू के सुजवान इलाके में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के एक जवान की जान चली गई है और 4 जवान घायल हो गए हैं। ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने बताया था कि हमने रात को इलाके की घेराबंदी की थी, हमें आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। फिर सुबह घेराबंदी पर फायरिंग हुई जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ अभी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी किसी घर में है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को 2 AK-47 बंदूक और 1 सैटेलाइट फोन मिला है। बता दें, न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से जानकारी दी गई है कि बारामूला एनकाउंटर में कुल 4 आतंकी मारे गए हैं। इसमें लश्कर का शीर्ष कमांडर यूसुफ कंट्रो ने साल 2020 में BDC अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह को मार डाला था, जिसे आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।